गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, हमारा एक टॉपिक चल रहा था 11th और 12th क्लास दोनों के लिए नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग में मैंने आपको नोटिस का फॉर्मेट बताया, कुछ पॉइंट्स बताए कि उन पॉइंट्स की हेल्प से, उनकी मदद से किस प्रकार से हम नोटिस बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट टॉपिक है और 4 नंबर का हमारी एग्ज़ाम में आएगा। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा और उसकी नोटिस हमें किस प्रकार से लिखनी है। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हो, नोटिस का फॉर्मेट नहीं देखा हो, तो इस वीडियो के माध्यम से भी आपके वो टॉपिक अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम नोटिस राइटिंग। क्लियर? नोटिस राइटिंग, नोटिस राइटिंग क्या होती है? मैंने आपको बताया, एक अनाउंसमेंट होती है, एक इंफॉर्मेशन होती है, एक सूचना होती है नोटिस राइटिंग। क्लियर? तो सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन आएगा आपकी एग्जाम में और किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा वो देखो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएगा कि सपोज यू आर मोहित गुप्ता, कि सपोज यू आर मोहित गुप्ता, कि आप कौन हो? मोहित गुप्ता हो, सेक्रेटरी हो आप ऑफ सोशल क्लब ऑफ योर स्कूल, कि आपका जो स्कूल है उसके सोशल क्लब के आप कौन हो? सेक्रेटरी हो। योर क्लब इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, आपका जो क्लब है इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, आयोजित करने जा रहा है ए ब्लड डोनेशन कैंप। क्या आयोजित करने जा रहा है? वो एक ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करने जा रहा है। राइट ए नोटिस, आपको एक क्या लिखनी है? नोटिस लिखनी है। राइट ए क्या लिखनी है आपको? राइट ए नोटिस, कि एक नोटिस लिखनी है। टू इन्फॉर्म, क्या देनी है? इन्फॉर्म देनी है, इन्फॉर्मेशन देनी है स्टूडेंट्स को, कि टू डोनेट, कि वो डोनेट करे ब्लड एट देयर विलिंगली, यानी अपनी मर्जी के अनुरूप। तो इस प्रकार से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जिसका हमें नोटिस करना है। अब हम इसका नोटिस देखते हैं डियर स्टूडेंट। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि नोटिस के लिए हमको क्या करनी है। सबसे पहले इस प्रकार से लाइन फ्रेम करनी है। क्लियर? लाइन खींचनी है, सीधी लाइन आपको ड्रा करनी है। ठीक है? इस प्रकार से हमको एक बॉक्स बनाना है। क्लियर? क्या बनाना है? हमको एक बॉक्स बनाना है डियर स्टूडेंट्स नोटिस के लिए। क्लियर? ये आपको इस प्रकार से बॉक्स बनाना है। तो मैंने आपको बताया कि नोटिस में सबसे पहले हम इंस्टीट्यूट का नाम लिखते हैं, संस्था का नाम लिखते हैं, उस संस्था का नाम लिखते हैं जो संस्था नोटिस निकालती है। तो हमारा क्वेश्चन था कि सपोज यू आर मोहित गुप्ता, कि आप कौन हो? मोहित गुप्ता हो, सेक्रेटरी, सेक्रेटरी हो, किसके सेक्रेटरी हो? सोशल क्लब, सोशल क्लब के ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के। तो स्कूल का नाम दिया नहीं है, ठीक है? तो अपनी ओर से कोई भी स्कूल का नाम लिख देंगे डियर स्टूडेंट्स। तो आपको थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है इधर, फिर आपको कैपिटल लेटर में स्कूल का नाम लिखना है, जिसमें लिख दिया NGM। क्लियर? हमें वही नाम लिखना है जो एग्जाम में क्वेश्चन आए। यदि एग्जाम में क्वेश्चन में नाम नहीं आता है तो आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम लिख सकते हो, अदरवाइज आपको वही लिखना है जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहां पर दिया नहीं गया, इसलिए हमने लिख दिया NGM सीनियर सेकेंडरी। ठीक है? NGM सीनियर सेकेंडरी और स्कूल। ठीक? तो नोटिस में सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? हम उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे, उस संस्था का नाम लिखेंगे जो संस्था क्या करती है? नोटिस निकालती है। तो सबसे पहले हमने लिखा है, स्कूल का नाम लिख दिया कि NGM सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हम कोई और भी लिख सकते थे, प्रज्ञा अकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी। ठीक है? कुछ भी। अब हम प्लेस लिख देंगे, प्लेस भी नहीं दिया तो अपनी ओर से हम प्लेस लिख देंगे अगली लाइन में। तो हमने लिख दिया प्लेस कोटा। ठीक है डियर स्टूडेंट? तो फर्स्ट लाइन में तो आपको ये नेम आएगा। ठीक है? थोड़ा स्पेस इधर छोड़ना है, थोड़ा आपको इधर छोड़ना है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है? तो सबसे पहले
संस्था का नाम लिख दिया हमने एनजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और फिर प्लेस का नाम लिख दिया क्या, कोटा। अब हम लिखेंगे डेट, जिस दिन नोटिस लिखी जा रही है उस दिन की डेट लिखेंगे। जैसे सपोज करो हम आज लिख रहे हैं तो आज की डेट लिख देंगे, ठीक है, 14th जुलाई। ठीक, उसके बाद आपको नीचे नोटिस वर्ड लिखना है, ये भी आपको कैपिटल में लिखना है, और इसको इस प्रकार से आप पैक कर देना, डियर स्टूडेंट्स नोटिस। ठीक, हम चाहे तो इधर डे भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो डे लिख सकते हो, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हो। क्लियर। फिर हम लिखेंगे टॉपिक, टॉपिक हमारा क्या है, ए ब्लड डोनेशन कैंप, इसको भी कैपिटल लेटर में लिखना है आपको, ए ब्लड डोनेशन, ए ब्लड डोनेशन कैंप। क्लियर, ये हमारा टॉपिक हो गया। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको डियर स्टूडेंट्स, नोटिस कैसे लिखते हैं दोबारा से देखो, मैं आपको बताता हूं कि नोटिस में सबसे पहले उस संस्था का नाम लिखते हैं, उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखते हैं जो नोटिस निकालती है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कोई हॉस्पिटल हो, कोई बैंक हो, कोई सहकारी समिति हो, जो भी हो, एक्स वाई जेड जो नोटिस निकालती है उसका नाम सबसे ऊपर कैपिटल लेटर में आएगा। उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे, प्लेस लिखेंगे, क्वेश्चन में प्लेस मिलेगा, नहीं मिले तो हमको अपनी मर्जी से वो प्लेस लिखना है जहाँ पर वो इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है, लोकेटेड है, उसकी लोकेशन का नाम हमको लिखना है। क्लियर। फिर आपको डेट लिखनी है, जिस दिन नोटिस लिखा जा रहा है, जिस दिन हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं स्टूडेंट्स को या लोगों को, उस दिन की हम क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। ठीक, फिर आपको नोटिस लिखनी है, ठीक, और नोटिस वर्ड के बाद में हमको टॉपिक लिखना है, वो सब्जेक्ट लिखना है जिस सब्जेक्ट में हम नोटिस लिख रहे हैं, तो किस पे लिख रहे हैं हम, ए ब्लड डोनेशन कैंप। अब इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो यहां पर हम लिखेंगे कि ऑल दी, कैसे लिखेंगे, ऑल दी स्टूडेंट्स, ऑल दी स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म, ऑल दी स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट। क्लियर डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार लिखनी है, All the students are informed that our school या our club जो भी है, our club या our school is going to organize। क्लियर, कि ऑल दी स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट, कि सारे विद्यार्थियों को इन्फॉर्म किया जाता है, सूचित किया जाता है दैट की, कि अवर क्लब या अवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, क्या करने जा रहा है, ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, आयोजित करने जा रहा है, ए ब्लड, टॉपिक लिख दो अपना, क्या आयोजित करने जा रहा है, ए ब्लड डोनेशन कैंप, ए ब्लड डोनेशन कैंप। क्लियर, अब कब आयोजित करने जा रहा है, कहां पर आयोजित होगा, वो टाइम वो डेट हम इसमें आगे मेंशन करेंगे, तो आप लिख देना इट विल बी हेल्ड, इट विल बी हेल्ड आयोजित होगा ऑन मंडे। क्लियर, कि हम बता दें कब होगा, इट विल बी हेल्ड आयोजित होगा ऑन मंडे, और डेट लिख दो कब, 18 जुलाई 2021 इन अवर स्कूल कैंपस। अगर स्कूल ऑडिटोरियम में है या कहीं अदर प्लेसेस पर लग रहे तो हम प्लेसेस भी लिख सकते हैं, ठीक है, इट विल बी हेल्ड ऑन मंडे 18 जुलाई 2021 इन अवर स्कूल कैंपस, स्कूल कैंपस। टाइम भी लिख सकते थे हम कि ये 9 बजे से लेके 4 बजे तक चलेगा, कब तक चलेगा, क्या है, वो भी हम लिख सकते थे चाहते तो। क्लियर, तो ये जो इन्फॉर्मेशन हुई ये रिलेटेड हो गई किससे, इस टॉपिक से। क्लियर, यहाँ तक कैसे लिखेंगे दोबारा से एक बार रिवाइज, कि सबसे पहले संस्था का नाम, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो भी क्वेश्चन में आए वो नाम लिखना है, नहीं आए तो अपनी मर्जी से लिखना है, फिर प्लेस का नाम, फिर हम डेट लिखेंगे, जिस दिन हम नोटिस लिख रहे हैं उस दिन की क्या आएगी डियर स्टूडेंट्स, डेट आएगी, फिर नोटिस वर्ड लिखेंगे, ठीक है, हम चाहे तो यहाँ पर डे भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया, फिर हम टॉपिक लिखेंगे ए ब्लड डोनेशन कैंप, की जो भी हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हम लिखेंगे। उसके बाद ये लैंग्वेज लिखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, कि ऑल दी स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट, कि सारे विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि अवर क्लब इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, कि हमारा जो क्लब है इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, क्या करने जा रहा है,
आयोजित करने जा रहा है ए ब्लड डोनेशन कैंप. क्या? एक ब्लड डोनेशन कैंप इट विल बी हेल्ड, आयोजित होगा ऑन मंडे. कब? मंडे को 18 जुलाई 2021 को इन अवर स्कूल कैंपस. क्लियर? अब क्या करवाना चाह रहे हैं हम लोगों से, स्टूडेंट से क्या कहना चाह रहे हैं इस डोनेट के बारे में, उसके बारे में और हमको इन्फॉर्मेशन देनी है. तो हम लिखेंगे कि दोज स्टूडेंट्स, दोज स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड. क्लियर? कि दोज स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड, दोज स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू डोनेट ब्लड, टू डोनेट ब्लड एट देयर विलिंगली. एट देयर विलिंगली का मतलब अपनी मर्जी के अनुरूप. ठीक है, एट देयर विलिंगली दोज स्टूडेंट्स, विद्यार्थी हु आर इंटरेस्टेड, जो इंटरेस्टेड है टू डोनेट ब्लड. क्या करने के लिए? ब्लड डोनेट करने के लिए. एट देयर विलिंगली, ठीक है, अपनी मर्जी से. तो आप लिख दो गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइन, टू द ठीक है, डेट लिख सकते हैं कि इस तारीख तक अपने आप नेम दे दो, या गिव देयर नेम्स टू देयर क्लास टीचर, जो भी है. ठीक है, इस प्रकार से. और एक लाइन आपको छोड़ के क्या लिखना है, जो नाम आया है मोहित गुप्ता, आपको इस तरफ लिखना है डियर स्टूडेंट्स, मोहित गुप्ता. और उसका डेसिनेशन लिखना है, पद लिखना है, जो पद उसमें आया है. क्या आया है? सेक्रेटरी ऑफ सोशल क्लब. तो आपको सेक्रेटरी ऑफ सोशल क्लब लिखना है. क्लियर? तो यहां पर लिख देंगे आप सेक्रेटरी ऑफ सोशल क्लब. क्लियर? तो ये था हमारा नोटिस. आई होप कि आपके समझ में आया होगा. एक बार इसका मैं पूरे का समराइज आपको बता देता हूं डियर स्टूडेंट्स, कि हम नोटिस पढ़ रहे थे. नोटिस में हमने क्वेश्चन पढ़ा कि सपोज यू आर मोहित गुप्ता, कि आप मोहित गुप्ता हो, सेक्रेटरी हो सोशल क्लब के. आपका जो क्लब है वो एक ब्लड डोनेट कैंप का आयोजन करने जा रहा है. क्लियर? वो हमने क्वेश्चन पढ़ा. तो नोटिस कैसे बनाते हैं, कि सबसे पहले हम संस्था का नाम लिखते हैं, जो संस्था नोटिस निकालती है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है. वो भी किसमें लिखना है? कैपिटल लेटर में लिखना है. क्लियर? तो सबसे पहले आपको थोड़ा स्पेस इधर छोड़ना है, थोड़ी सी जगह इधर छोड़नी है. ठीक है, कैपिटल लेटर में आपको संस्था का नाम लिखना है. जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया एनजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल. क्लियर? फिर हमने प्लेस लिखा कोटा, जहाँ पर इस संस्था क्या है स्थित है, प्लेस का नाम लिखते हैं. उसके बाद फिर आपको डेट लिखनी है. ठीक है, डेट जिस दिन की डेट लिखनी है, जिस दिन हम नोटिस लिखने जा रहे हैं. ठीक है, हम डे भी लिख सकते हैं चाहे तो. क्या लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स? डे. ठीक है, जो भी डे है. फिर आपको लिखना है क्या? नोटिस. नोटिस को आपको बॉक्स में कर देना है पैक. फिर आपको लिखना है टॉपिक. उस टॉपिक का नाम लिखना है जो टॉपिक आपका क्वेश्चन में दिया गया. और क्वेश्चन में टॉपिक 101% मिलेगा. ऐसे नहीं है टॉपिक नहीं मिला वैसे नोटिस लिख दोगे क्या? तो स्कूल का नेम मिले नहीं मिले, संस्था का नाम मिले नहीं मिले, लेकिन टॉपिक का नेम क्वेश्चन में जरूर मिलेगा. तो आपको वही टॉपिक लिखना है जो दिया गया है. तो क्या दिया गया? ए ब्लड डोनेशन कैंप. ठीक, फिर हम जो भी लैंग्वेज वो लिख देंगे कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट, कि सारे विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है. अवर क्लब इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, कि जो हमारा क्लब है इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, आयोजित करने जा रहा है ए ब्लड डोनेशन कैंप. इट विल बी हेल्ड, या आयोजित होगा ऑन मंडे इतनी इतनी तारीख को इन अवर स्कूल कैंपस में. ठीक, दोज स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड, वे विद्यार्थी जो रुचि रखते हैं टू डोनेट ब्लड एट देयर विलिंगली, अपनी मर्जी के अनुरूप. ठीक है, तो गिव देयर नेम्स, वो अपने नाम लिखा दे टू द अंडरसाइन. ठीक, कोई डेट हम चाहे तो डेट लिख सकते हैं. और यहाँ पर एक लाइन छोड़ेगा आपको मोहित गुप्ता सेक्रेटरी ऑफ सोशल क्लब, जो नोटिस लिखने वाला जो इशूअर है उसका हमको नेम लिखना है और उसका डेस्टिनेशन लिखना है. आई होप कि आपके समझ में आया होगा. आप इसे अपनी नोटबुक में इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स. तो आई होप कि आपके अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा. ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद.